नमस्कार दोस्तों, मैं सैमल, वेलकम करते हैं मेरे चैनल पर। बहुत ठंडी पर है इसलिए टोपा लगा के रखकर उसे खोल लेता हूँ। तो दोस्तों चलिए, आज नया वीडियो, नया टॉपिक, नया एपिसोड में मैं सैमल आपको लेके चलता हूँ आज जो दादा का फार्म है। दोस्तों जो लोखी सर है उनका जो फार्म के अंदर जितना सारे एग्जोटिक बर्ड्स है, जैसे सन कनूर है, झंडिया कनूर है और जितना सारा छोटा छोटा कनूर बर्ड्स है, स्मॉल कनूर बर्ड्स है, उसका ब्रीडिंग प्रोसेस दिखाएंगे और आप एक कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस बार ब्रीडिंग फार्म के अंदर जितना सारे बर्ड्स है उसका सेटअप है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, और ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो बर्ड्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, थोड़ा सा आपको व्यू आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ सेटअप का जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ दिखाऊंगा। तो चलिए लेट्स गो फार्म। तो ये जो दादा का जो फार्म है, इस फार्म के अंदर बहुत सारे एग्जोटिक बर्ड्स का जो बर्ड्स है ना, इसके बारे में हम लोगों के साथ शेयर किया था और बताया था आपको। दोस्तों इसका छोटा जो हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो दादा का जो ये केज आपको दिख रहा है, ये जो रॉड के बना हुआ है, इसमें दादा क्या करता है, जहाँ से बाजार से जो बर्ड्स है ना, इसको लेके आके यहीं छोड़ता है। तो यहाँ छोड़ने के बाद जैसे बाहर से कोई बर्ड्स आता है तो ये क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ उसको जो जाम होता है, जो इन्फेक्शन छाड़ने वाला जाम होता है, पहले यहाँ से इसको इन्फेक्शन निकलने के लिए जो डेटॉल सैपनोल्स वाला स्प्रे होता है उसको डाल के इसको बार्स को पहले डी इन्फेक्शन मतलब स्टाइल करता है इसको बार्स को, फिर बार्स को क्या करता है दादा आगे लेके जाता है। और इसके बाद जो ये जो छोटा सा केज है, ये देखिए दोस्तों मैं यहीं खड़ा हूँ और कुछ साउंड में एडिट करना पड़ रहा है बाद में। तो दोस्तों ये देखिए, इस ये जो केज है, इस केज के अंदर बहुत सारे हैंडटेम वाला जो बार्ड्स है, क्योंकि दादा पिछली जो क्लास में जो बार्ड निकला था उसको यहीं छोड़ के रखा है दादा ने। तो इसको मैंने देखिए हाथ लगा के देख रहा हूँ, इसको ये बार्ड्स काट नहीं रहा है, क्योंकि इतना अच्छा मुझे इंटरेस्ट लग रहा है ये बार्ड्स के बारे में देख के, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि ऐसे मुझे मेरे आंखों के सामने इतना सारे बार्ड्स है, इतना बड़ा बड़ा बार्ड्स है। तो ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुश मतलब खुशी लग रहा है खुद के अंदर से। और दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो केज है बड़ा वाला केज, इसमें क्या करता है, जितना सारे बार्ड्स दादा ने लेके आता है तो इसके अंदर छोड़ता है, और छोड़ने के बाद क्या करता है उसके फिर डीएनए टेस्ट करता है, जैसे मैच हो जाता है मेल फीमेल, फिर इसको बॉक्स लगाता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा प्याज था ये दादा ने रखा हुआ था, तो और कुछ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कुछ हिस्सा आपके साथ दिखाऊंगा। तो लेट्स गो फॉर्म वीडियो और नेक्स्ट पार्ट, चलिए आगे दिखाते हैं। ये जो आपको बार्ड दिखाई दे रहा है, ये जो डबल नेट फैक्टर वाला जो झंडिया बार्ड्स है, एक मेरा दोस्त है जो सब्सक्राइबर है मेरा, तो ये गुजरात का सूरत में रहने वाला, तो इसको रहने के लिए बहुत कोशिश किया बार्ड, इसको मैं पार्सल भेज नहीं पाया क्योंकि ट्रेन में भी बहुत महंगा है और फ्लाइट में भी बहुत महंगा होने के वजह से मैं इसको भेज नहीं पाया। तो ये इनको लेना है, तो बहुत रिक्वेस्ट किया मुझे, तो ये दादा से मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको रखने के लिए, तो रखा हुआ है और इसको फिर ये और एक जोड़ा लेके आएंगे, नहीं तो दादा को फिर पार्सल करने के लिए कोशिश करेंगे। और ये मास्टर जी का सबसे फेवरेट पीस है, डबल रेड फैक्टर वाला जो बार्ड्स है, जो आपको डीप रेड दिखाई दे रहा है। बार्ड्स का प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा है, बार्ड्स उसका जो दाना है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो इसलिए जो बद्री जो बार्स होता है उसका प्राइस सबसे ज़्यादा कम है, 150 से 200 रुपये के बीच में चल रहा है अभी बद्री का बार्स। तो इसमें जो लोग बार्स का बिजनेस करते हैं बद्री का बार्स लेके, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है वो लोगों के लिए। और दोस्तों ओवरऑल कुछ आज लाभ बार्स और जो कनूर बार्स है, झंडे बार्स है, उसका ब्रीडिंग सेटअप, ब्रीडिंग प्रोग्रेस मैं कुछ दिखाऊंगा और दादा से कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ रिक्वेस्ट करेंगे और पूछने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए और कुछ मैं आके पूछता हूँ,
ये जो हैंटेम वाला बार से जो दादा के पूछने के बाद बोला कि दादा ने जैसे इसका चिक्स निकला था, दादा और उसका जो मैडम है दोनों मिलकर हैंड फिटिंग करवाई। ये देखिए कैसे चुपचाप बैठा हुआ है, डबल लेग खड़े, देखिए दादा का हाथ नहीं काट रहे क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्यारा बार से, तो दादा ने इसको हैंड फिटिंग करवाया था। तो दोस्तों ये देखिए डबल लेग फैक्ट्री वाला जो बैठा हुआ है पीछे, इसका कलर देखिए इतना मस्त है। और खाने में दादा जैसे इंसान को जैसे देता है ना सुबह शाम दोपहर में, ऐसे करके दादा ने इसको बच्चा जैसे इसको पालता है। और इसके वजह से बार्स का शायद हेल्थ होता है बहुत अच्छा है। तो ये दोस्तों नेक्स्ट जो कुनूर वाला है इसका अंदर जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है तो हम लोग थोड़ा सा घूम के देखते हैं, क्योंकि ठंडी की वजह से बार्स का जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, क्योंकि ठंडी गर्मी कुछ दिन पहले हुआ था। तो देखिए इसके अंदर कितना अंडा लेआउट किया नहीं है, इसमें कोई अंडा लेआउट किया नहीं था। तो चलिए, क्योंकि दादा ने बॉक्स 10-15 दिन पहले लगाया था, मैं आया उसके पास तो फिर कुछ हिस्सा दादा ने रिक्वेस्ट करने के बाद दादा ने दिखाया। ये देखिए दूसरा कोनूर है अभी, क्योंकि कोनू का बार्स भी बहुत मतलब प्राइस बहुत कम हो गया, कोनूर का बार्स का भी, लाभ बार्स का, रोजी और लुटिनो का बार्स का भी प्राइस बहुत कम हो गया। मार्केट में शायद 700 रुपया रोजी चल रहा है और लुटिनो शायद 1400 रुपया चल रहा है लगभग मेरे आइडिया से, क्योंकि मार्केट का जो बार्स का प्राइस है कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे होते रहता है। ये जो बार्स है इसके अंदर केज के अंदर भी कोई फिक्स भाव अंडा है नहीं है। तो दोस्तों जो नीचे वाला कोनूर, जो कोनूर बार्स है ये देखिए ये कितना इसका कलर बहुत फेरस अच्छा है। दादा ने इसको बॉक्स इसलिए नहीं लगाया, इसका उम्र थोड़ा सा और कम है तो, और 1-2 महीने के बाद ही इसको बॉक्स लगाएंगे, क्योंकि ये सेल्फ बॉन्डिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दादा ने खुद वॉच किया तो इसके वजह से इसको थोड़ा वेट कर रहे दादा ने। और खाने में जैसे दोपहर में शाम को सुबह जैसे दादा ने खाने देता है, इसका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके इसको देख सकते हो। और जो हिस्सा मतलब जो इतना बड़ा एग्जोटिक बार्स का फार्म है, तो किसी ने मतलब बार्स के फार्म के अंदर किसी ने घुसने के पास जितना सारे कोनूर बार्स का सेटअप है ना, सन कोनूर, झांडिया कोनूर, नॉर्मल कोनूर, पाइनएपल कोनूर, सिनेमन कोनूर, जितना से दादा के बार्स है तो इनके पास बहुत बड़ा सेटअप है। और दादा के पास एक हिस्सा तो मैं आपको साथ वीडियो शेयर किया था, दादा के छत में बन रहा है, उधर क्या हुआ जो बुलबुल आया था उसके बाद उसका सेट है ना थोड़ा सा टूट गया था, उसको वीडियो में आपको साथ शेयर करूंगा, क्योंकि दादा का बहुत नुकसान हुआ है। तो क्योंकि बहुत सारे पानी में भीग गया था बार्स, और जो ओवरऑल जो जितना सारे बार्स है नीचे वाला एक छोटा वाला घर में देखिए, ये देखिए पाइनएपल कोनूर, सिनेमन कोनूर, सिंगल फैक्टर, और देखिए बहुत सारे बार्स है, कोनूर बार्स है, ये देखिए सब एक साथ एक एक करके लगा हुआ है। और सबके अंदर मटकी, क्योंकि दादा ने लेट लगाया, क्योंकि दादा का सेटअप का अंदर मतलब दादा जैसे हर साल लगाता है और ऐसे करके दादा ने लगा के रखा है। और देखिए जितना लाभ बार्स है देखिए, ब्लू मार्क्स, वायलेट मार्क्स, कोबाल मार्क्स, जितना सारे है वो एक एक करके मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ने कमेंट किया था कि दादा का जो कोनूर बार्स का सेटअप है एक बार रिव्यू करवाने के लिए, तो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। और लास्ट में जो झंडिया बार्स है कोनूर बार्स के, उसका जो केस साइज, बॉक्स साइज और इसका जो डीएनए टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों ये देखिए दोनों झंडिया बार्स एक साथ बैठा हुआ था, कुछ दिन पहले एक दादा ने आया था ये बार्स खरीदने के लिए, तो दादा को इतना पसंद आया, वो कला का जो चेन है ना निकल के दादा ने दे दिया बोल कि ये बार्स में दे दो, दादा ने उसको मना कर दिया नहीं, क्योंकि दादा का फेटा भाई वो 1.5 साल से खिला रहा है इसको ऑर्डर करने के लिए, तो वो कैसे दे देंगे, तो इसलिए दादा ने दिया नहीं। मेरे आंखों के सामने ऐसे हुआ था, तो मैं इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो बार्स लाभार होता है ना, तो बार्स को देख के इतना पसंद करता है, जो बार्स को इतना प्यार करता है ना, वो किसी भी कीमत दे के बार्स को लेके जाता है। ये देखिए इसके बाद ये देखिए दादा का जो केस साइज है बहुत मतलब जो 5 फीट का लंबा है, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट हाइट में केज है। और देखिए इसका जो बॉक्स है, और ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स में भी सिविल शायद 1200 रुपया रेट है, दादा ने खरीद के लेके आया था। और ये पूरा जितना सारे पार्ट्स है बिल्कुल रेडी पेयर है, तो ये रेडी पेयर होने के वजह से बिल्कुल पिछली क्लास दे चुका है, ये नेक्स्ट सेकेंड ईयर में ये लगा हुआ है बॉक्स। शायद दादा ने बोला था कि ये मोल्डिंग कर रहा था, दादा ने देखा है आंखों के सामने। और वो ये बार्स इतना चालाक है ना, मतलब इतना चतुर है, ये जो उसका गेट है ना, गेट का जो लॉक है खोल के निकल जाता है, दादा ने इसको क्या करता है लॉक लगा के रखता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो अभी मार्केट के हिसाब से तो सबसे छोटा बड़ा बार्स के हिसाब से जो सानकोनूर बार्स है, झंडिया बार्स है, ये दोनों बार्स और ग्रेपर्स है, ये दोनों बार्स पूछने से क्या होता है, बार्स का प्राइस इतना कमता नहीं है, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल 21,000 तो उसको 19,000 में आप बेच सकते हो। ये देखिए लॉक लगा के रखा है दादा ने इसको, तो ऐसे करके रखना है क्योंकि दादा के दाम इतना महंगा हो गया। तो अभी भी लास्ट मैंने 70
₹2 केजी करके जो छोटा दाना होता है कंगी दाना खरीद के लेके गया था। ये देखिए इतना सारे बार्स है, जितना सारे इसका कलर फिलर्स इतना अच्छा है, क्योंकि इसको ऊपर धूप लगने की वजह से थोड़ा सा जो पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो गया। और ये जो कोनूर का बार्स है, ये देखिए आपको 5 फीट हाइट और 5 फीट लंबाई में और 3 फीट हाइट में देखिए कितना सारे बार्स है इसका रखा हुआ है। इसमें शायद 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर इधर है और उसका लेफ्ट साइड में भी 5 पेयर है, छत के ऊपर भी है और बहुत सारे कोनूर बार्स का। ये देखिए पूरा 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 के पूरा हिस्सा देखिए, वो दूर से मैं एक बार व्यू आपको दिखाता हूँ, जितना सारे बार्स का फार्म है ये देखिए पूरा भरा हुआ है। और ये दादा जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन में दादा ने ये लोगों को जो दाना होता है सॉफ्ट फूड होता है देता है। तो इसके पीछे वजह से मैं पूछने के वजह से क्या बोला कि ये बड़ा वाला बार्स है, प्लास्टिक का जो बर्तन होता है इसको काट देता है। और प्लास्टिक का बर्तन में पानी डालने के वजह से क्या होता है, जो एक हल्का सा ना इसको सैवला बोलता है जिसको, जो पिछली मतलब जिसको लिक्विड वाला में जैसे लगा रगड़ने से क्या होता है, ये स्लिप हो जाता है, ये वाला पैदा हो जाता है। ये क्या करता है, बार्स का हार्मफुल है, तो ये हार्मफुल की वजह से क्या होता है, जो लूज मोशन हो जाता है। और दोस्तों देखिए जो दादा का बड़ा भाई है, ठीक है, ये लोग बॉक्स लगाने के लिए कोशिश करा था तो जो नेस्टिंग मटेरियल्स देखिए इसके अंदर वो काट रहा था। ये देखिए नेस्टिंग मटेरियल रखा हुआ है साथ में और जो मिट्टी का जो बर्तन है तो उसमें खाना डाल रहा था। तो दोस्तों फिर मैं उसका पूरा ओवरऑल सेटअप घूम के आ गया, फिर जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था वहाँ तक फिर पहुँच गया मैंने। और ये देखिए दादा का बड़ा भाई है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर शेयर करना, लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना। और जितना सारे बार्स है ये देखिए मेरा हाथ में लगा के देख रहा था, ये जितना सारे कितना खाने के लिए कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल हैंडटेम बार्स है जितना सारे दादा ने रखा हुआ है। तो ये शो के लिए नहीं, दादा इसको रखा था DNA टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, और कुछ जैसे इसका रिपोर्ट आ जाएगा इसको फिर प्यार में लगा देगा, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन बिल्कुल चल रहा है। और ब्रीडिंग सीजन जैसे ख़त्म हो जाएगा फिर इसको जिसे चिक्स आएगा फिर इसको सेल करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। और चलिए आज का वीडियो इतना तक, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है।